हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल रीड द यूनिट 5। इन दिस यूनिट देयर इज टू टाइटल, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, दिस इज अ पोएम, एंड हेलेन केलर, दिस इज अ स्टोरी। सो टुडे वी विल स्टार्ट द पोएम डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क का मीन्स होता है कि हमें अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। सो लेट्स रीड एंड एंजॉय द पोएम। आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं। सो फ्रेंड, द टाइटल ऑफ द पोएम इज डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। हमें अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। क्या कह रहा है? डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन, द सन मस्ट बी हार्श बट मून लाइट नेवर, एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर। इसका मतलब यह है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, हमें अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। द अर्थ मस्ट बी रेस्ट, यानी जो ये पृथ्वी है वो आराम करती है व्हेन द डे इज डन, यानी जब दिन समाप्त हो जाता है तो ये हमारी पृथ्वी क्या करती है? आराम करती है। द सन मस्ट बी हार्श, सूर्य कठोर हो सकता है बट मून लाइट नेवर, लेकिन हमारी चांदनी रात कभी इतना तप नहीं सकती, इतना कभी कठोर नहीं हो सकती। एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर, और जो हमारे तारे हैं वो हमेशा क्या होंगे? शाइनिंग, हमेशा चमकेंगे। फॉर एवर एंड एवर मीन्स सदैव वो क्या करते रहेंगे? चमकते रहेंगे। सो वी शुड नेवर फियर टू द डार्क, इसलिए हमें कभी अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, वी फ्रेंड विद द नाइट, यानी रात्रि से क्या बनिए? रात्रिकालीन से आप दोस्ती करिए। देर इज़ नथिंग टू फियर, यानी इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कुछ भी ऐसा नहीं है रात्रि में जिससे हम डर सकें। जस्ट लेट योर थाट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर, अपने विचारों को ट्रेवल करने दीजिए, मीन्स उसको दूर तक जाने दीजिए। टू फ्रेंड्स, अपने दोस्तों तक, फार एंड नियर, चाहे वो दूर हो या पास है, अपने विचारों को दूर तक क्या करने दीजिए, जाने दीजिए। बाय डे, दिन तक, इट डज सीम दैट आवर ट्रबल वोंट सीज, इट डज सीम ऐसा लगता है दैट आवर ट्रबल्स वोंट सीज, कि हमारी परेशानी कभी ख़त्म नहीं होगी। बट एट नाइट लेकिन रात्रि में, लेट एट नाइट, ठीक है, देर रात्रि में, द वर्ल्ड इज एट पीस, ये संसार कैसे रहता है? एट पीस, शांति में रहता है, मीन्स हमें शांत रहना चाहिए और शांत होके हमें अपने समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए और हमें अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ये जो लिखा गया है इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। अब यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं, हम उस न्यू वर्ड्स को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या न्यू वर्ड्स में? अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स क्या होता है? डरना। डार्क मीन्स अंधेरा। रेस्ट मीन्स क्या होता है? आराम करना। हार्स मीन्स क्या होता है? कठोर। फॉर एवर मीन्स होता है सदैव, और ट्रबल मीन्स क्या होता है? परेशानी, और सीज मीन्स होता है अंत होना। तो ये हमारे न्यू वर्ड्स हो गए। तो फ्रेंड्स, इसको देखने के बाद आप इस न्यू वर्ड्स को अपनी कॉपी में नोट करिए। नेक्स्ट वी विल सी द इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम।